Hi guys, Jai Sri Mahakal. So, as we have seen here, today we will be discussing Rrb JE and Rrb SSE, Senior Section Engineer, Mechanical Engineering questions. As we have asked me in the comment box, sir, please Rrb JE ke questions discuss kijiye. Now, why I am making this video? In this video, I will be discussing all mechanical engineering questions. Jitne bhi mechanical ke questions aaye hain, wo sab maine jitne bhi wo green set or red set or black set or white set, jitne bhi sets ke paper hai na, sab ke maine mechanical ke questions ke mechanical engineering ke questions chart ke rakh liye hain. Aur unhi ko main is question mein is video mein discuss karunga un questions ko. Lekin why I am discussing this question? Just to aware you about the what are the topics they are asking. Why I am telling you this? Kyunki आप ये उम्मीद मत करो कि ऐसा का ऐसा पेपर इस बार आ जाएगा, इतना आसान सा आ जाएगा या इतने इजी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. उसके दो कारण है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला कारण है सिलेबस टोटली चेंज हो गया है. यू विल बी आस्क्ड दिस ईयर, यू विल बी आस्क्ड ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग टॉपिक्स. प्रीवियसली द सिलेबस वॉज वेरी वाइड, बहुत ज्यादा वाइड था, बट वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर आस बिकॉज इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस वर आल्सो देयर, मैकेनिकल क्वेश्चंस वर आल्सो देयर, सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन वर आल्सो देयर एंड कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन प्लस सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस वर आल्सो देयर. सो दैट इज द रीजन व्हाई द सिलेबस वाज वेरी वाइड, वेरी वेरी वाइड. जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है वो सब कुछ आएगा, बट इट इज नॉट डीप, दैट मस्ट डीप. ओनली वन वर्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, बट ऐसा अब नहीं होगा बिकॉज दिस टाइम सिलेबस इज टोटली चेंज. यू विल बी आस्क्ड ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस. आई मीन सिविल वालों को सिविल क्या, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल. तो सिलेबस बहुत ही नैरो हो गया है, इतना सा पार्ट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली डीप. सिलेबस नैरो हुआ है तो ये डेफिनेटली वाइड होगा, मतलब डीप होगा. इसके जो क्वेश्चन का लेवल है वो डेफिनेटली डीप जाएगा. दूसरा एविडेंस आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो, वर्चुअल कैलकुलेटर इज अलाउड. It means definitely you have to use it. If it is there, you have to use it. मतलब जो percentage of questions थे numerical के, पहले तो थे ही नहीं, इस बार definitely 20-30% questions आपको numerical के दिख जाएंगे या इससे भी ज़्यादा दिख जाए, तो आपको तैयार रहना है. अच्छा, तीसरा कारण एक और है कि questions का level अच्छा होगा, क्योंकि अब ऐसे senior section engineer की exam नहीं होगी कभी. Directly RRB JEE से ही आप departmental exam के through senior section engineer बनेंगे. और उन्हें भी पता है, दे हैव अलाउड एवरीबडी, जूनियर इंजीनियर्स आई मीन डिप्लोमा होल्डर्स, बीई होल्डर्स, बीटेक होल्डर्स, एमटेक होल्डर्स, इवन पीएचडी हैव आल्सो अप्लाइड. देखो, आप सोचिए मत कि पीएचडी आपके कंपटीशन में है नहीं, तो पेपर का लेवल वो अच्छा बनाएंगे. ये लोग जो एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जामिनेशन को टफ करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल बी आस्किंग सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल. तो फिर भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ये सब चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा अभी से आप प्रिपेयर हो जाए. तो चलती है, चलता है, डिस्कस करता है क्वेश्चन नंबर वन से. तो पहला क्वेश्चन है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर इज व्हाट, दैट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेंथ अपॉन स्लेंडर स्ट्रेस रेशियो एस इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ एलई अपॉन के. के इज व्हाट, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के, अंडर रूट आई मिनिमम बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जैसे एक बार सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में ऐसा भी आ गया था, आई की वैल्यू पूछ ली थी, तो जैसे इसको स्क्वायर करो, के स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू आई, तो आई इज व्हाट, ए के स्क्वायर. तो ये भी ध्यान रखना है ना. तो ये था पहला क्वेश्चन. इजी इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है. ये देखिए, द लेंथ ऑफ अ बार एल मीटर इट एक्सटेंड बाय 2 मिलीमीटर, मतलब डेल्टा एल दिया हुआ है. व्हेन अ टेंसाइल फोर्स एफ इज अप्लाइड, फाइंड द स्ट्रेन. Definitely, strain is what? Delta L by L. So, 2 by L. Now, L is in meters, but this is in millimeter. So, you have to convert it to meters. So, what will be the answer? 0.02 meter upon L. So, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा. Question number 18. A four-stroke petrol engine theoretically operates on what? Auto cycle. पेट्रोल इंजन एंड ऑटो साइकिल, ठीक. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अच्छा, बुरा नहीं मानना, ये जो जितने भी दिख रहे हैं ना 21-22 की, मैंने क्यों स्किप किए हैं, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस थे. मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस अलग से अरेंज कर लिए जो मैकेनिकल के से रिलेटेड पूछे गए थे, क्योंकि आप आपको सिविल तो पूछेंगे नहीं, इसलिए.
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन अ बॉडी इज होली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, होली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट फोर्स टू द इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सो दिस इज नोन एज व्हिच लॉ? दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। इफ टीओ टीपी टीएम आर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट्स ऑफ एन एक्टिविटी रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम? दिस इज व्हाट? टीओ प्लस टीपी प्लस 4 इनटू टीएम बाय 6। अच्छा एक क्वेश्चन से भी पूछ लेता, ये पार्ट से रिलेटेड है ना, पार्ट में हाउ मेनी टाइम एस्टिमेट्स आर देयर? 3 टाइम एस्टिमेट्स और सीपीएम में ओनली 1 टाइम एस्टिमेट्स। हाँ सीपीएम में 1 या 2 देख लेना आता ना, पार्ट में 3 टाइम एस्टिमेट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय व्हाट? के बाय रो सी। आसान सा क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 42। चूज द ऑप्शन व्हेन व्हिच करेक्टली शोज द रिलेशन बिटवीन ई के एंड सी, सी और जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसका क्या होता है? 9 के सी अपॉन 3 के प्लस सी, और ई क्या होता है? 2 जी इंटू 1 प्लस म्यू, और ई क्या होता है? 3 के इंटू 1 माइनस 2 म्यू। जब व्हेन यू इक्वेट दिस विद दिस यू विल आल्सो गेट रिलेशन बिटवीन जी एंड के, वो भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सब सोम के जो मैंने ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के वीडियोस बनाया हुआ वो आप तो मतलब ज़रूर देखिएगा, उसमें सोम टोम फ्लूइड मैकेनिक्स जो सबसे बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं, बाकी के पार्ट्स पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की। दिस आर नॉट ईजी टास्क, ओके, बहुत टाइम लगता है, 40 मिनट के वीडियो को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। अगर आप ये समझ रहे हो कि 40 मिनट के वीडियो बनाने में 40 मिनट लगते हैं, ऐसा नहीं, एजुकेशनल वीडियोस बनाने में ऐसा नहीं होता, 4 घंटे से ज़्यादा लगता है। ठीक है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस? स्लीटिंग कोल्ड वर्किंग है, लंचिंग कोल्ड वर्किंग है, ब्लैंकिंग भी कोल्ड वर्किंग है, एक्सक्लूजन इज नॉट कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो क्या हो गया आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 45 ये तो नॉन टेक का क्वेश्चन है, नॉन टेक तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। क्वेश्चन नंबर 47। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, दैट इज मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल, ठीक है सिंपली सपोर्टेड बीम ये रही लेंथ एल, इज लोडेड विद एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोब, ओके, ऑफ यूनिट डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, ठीक है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी व्हाट? क्या हो जाएगा? करेक्ट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन? तो क्या हो जाएगा? फोर्जिंग, फोर्जिंग से बनती है, हाथ से नहीं ठोकते मशीन से ठोकते। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ये चीज़ मैंने देखी है प्रोसेस एक्चुअल में, एक या दो स्ट्रोक में मतलब पूरा कनेक्टिंग रॉड बन जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 68। द लोड विच डज नॉट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड व्हाट? इट इज अ डेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा वो बताने के लिए कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 95। बॉयज लॉ स्टेट दैट, इसका तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एस एस सी जेई के मैंने जो वीडियो में बना रहा हूँ, एस एस सी जेई तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूँ उसमें बताया था मैंने, बी सी टी वी आई पी सी पी सी वी टी मतलब बॉयज लॉ, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सी पी सी मतलब चार्ल्स लॉ, कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, आई नहीं लगा मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा ये। और इसके अलावा जो बच गया वो क्या हो जाएगा? गेल लुजेक्स लॉ। तो इन दोनों को याद रख लोगे तो गेल लुजेक्स लॉ भी आपको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये रहा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाँ तो ये आंसर हो गया बी, ठीक है ना, पी वी कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब
P1 is inversely proportional to V1, I mean pressure is inversely proportional to volume. Weld spreader is a what? Weld spreader is a welding device. Question number 104. The entropy of a universe tends to be what? It is always maximum and it is constant as well. Okay. Question number 17. In sand molding, the top flask is known as what? Upar cup hota hai, niche drag hota hai, beech mein kya hota hai? Cheek hota hai. Theek hai? So A ho jayega answer. Acha bataiye riddle kya hota hai? Aur swap kya hota hai? Ye bhi casting se juda hua. Riddle kya hota hai? Aur swap kya hota hai? Ye bataiye comment section mein. RADDLE. Question number 20. क्या है? Projection of an object. अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखिए. मैंने इसमें engineering drawing के भी questions किए हुए हैं include, क्योंकि जो diploma वाला syllabus है, उसमें engineering drawing पे बहुत ज़्यादा focus किया जाता है. तो junior engineer वाली जो भी आप exams देखेंगे ना, उसमें ED वाले questions पूछते हैं. ED plus as well as MD, machine drawing and engineering drawing. तो ये भी आपको पढ़ना है. क्यों? Because in your syllabus what is written? मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग. अलाइड इंजीनियरिंग के भी हैं, तो उसमें ईडी भी जरूरी है, डिप्लोमा में आता है. दूसरा ऑटोमोबाइल भी पढ़ना जरूरी है. क्यों? मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में शायद ऑटोमोबाइल आप उसमें देखेंगे ना, नोटिफिकेशन में प्रोडक्शन लिखा है, ऑटोमोबाइल लिखा है और पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो उससे रिलेटेड. अच्छा हाँ, एक टॉपिक और, इंस्ट्रूमेंटेशन. आपको हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो सिविल इंजीनियरिंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा हो, चाहे वो मैकेनिकल वालों में इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा हो. आप दुनिया जहां का कोई भी जेई वाला पेपर उठा के देख लो, इंस्ट्रूमेंटेशन पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. या यूं कहें मेकाट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स में एक चैप्टर होता है इंस्ट्रूमेंटेशन, तो बहुत जरूरी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फिन्स आर प्रोवाइडेड ऑन हीट ट्रांसफरिंग सरफेस आर, क्या लिखा है ये, इन ऑर्डर टू इंक्रीज. फिन्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज व्हाट? Heat transfer area. Heat transfer area increases, it means it will cool as soon as possible. Question number, ये काय का है? हाँ, तो ये भी junior engineer का red paper. सब JEE और SSE के ही हैं. कोशिश करता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हुआ तो अगले वाले पार्ट में इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा. बट आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा क्या लग रहा है, सेकंड वाला पार्ट बनाया जाए या कोई और अलग से भी टफ क्वेश्चंस ऐड किए जाए जो आ सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. लाइक ठोक के जाना और दुआ में याद रखना. चलिए क्वेश्चन नंबर 1. द कटिंग स्पीड ऑफ अ टूल रेफर्स टू व्हाट? रिवोल्यूशन मेड बाय टूल. टूल रिवोल्यूशन नहीं करता है, ऑब्जेक्ट जो वर्क पीस है वो रिवोल्यूशन करता है. अब देखिए, रिवोल्यूशन टर्न्ड बाय जॉब इन स्पेसिफाइड टाइम, ये भी सही नहीं है. क्यों बताता हूँ. डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ये तो गलत ही है. डिस्टेंस ट्रेवल बाय कटिंग स्पीड पूछा है. डी इज द आंसर, रेट एट विच कटिंग टूल पासेस. दिस इज द ऑब्जेक्ट वर्क पीस, दिस इज द कटिंग टूल. हाउ मेनी टाइम्स इट इज पासिंग और हाउ मच मीटर इट हैज पास, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट और एक्सेट्रा. द यूनिट्स इन विच कटिंग स्पीड इज मेजर्ड, द रेट एट विच द कटिंग एज ऑफ अ टूल पासेस ओवर द सर्फेस ऑफ द वर्क पीस. तो ये था इसका आंसर. अगला क्वेश्चन. इन अ डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय व्हाट? हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर द कंबशन. डीजल इंजन, ठीक है. पेट्रोल में क्या होता है? स्पार्क इग्निशन, नाम ही उसका ऐसा ही इंजन है. टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे. टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन is known as what? Bar chart नहीं होता है, it does not see both shows both time and progression. That is, it is Gantt chart which shows time as well as the progress. How much progress is there for multiple machines? So इसका आंसर हो गया B. अगला question. The ratio between inertia force and viscous force. ये तो already मैंने आपको वो short tricks वाले video में और शायद उसमें बताया था क्या कहता है. इंजीनियरिंग सर्विसेज के फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस करा था. आर एफ ई डब्ल्यू एम विजिप्सी
है ना, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर। अब सभी में इनर्शिया फोर्स तो न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, वी जी पी एस ई विजिप सी, रेनॉल्ड्स नंबर आर, ये एफ है, प्राउड नंबर, ऑयलर नंबर डब्ल्यू, वीबर नंबर एंड मार्क नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर में क्या रहेगा विस्कस फोर्स, प्राउड नंबर में क्या रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑयलर्स नंबर में प्रेशर फोर्स, वीबर नंबर में डिनोमिनेटर में सरफेस टेंशन, मार्क नंबर में इलास्टिक फोर्स। तो ये आपको याद रखना है ना, तो इससे सभी कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं अगले वाले पार्ट में डिस्कस कर लूँगा। और कोई इन्फॉर्मेशन CVT2 से रिलेटेड अगर मुझसे कोई छूट गई हो तो प्लीज़ मुझसे बताइए, मुझे बताइए अगर कोई गलती है तो, या और कोई चीज़ें डिस्कस करना हो तो मैं अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, पैरेलल में आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़िया से होली मनाइए, हैप्पी होली टू ऑल, जय श्री महाकाल।